आप में से सभी लोग जो है ना वो रोजाना कोई ना कोई सोशल मीडिया यूज करते होंगे। ये वीडियो खुद आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर, इसके अलावा ट्विटर भी यूज करते होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पता नहीं क्या क्या, अब तो ट्विटर भी आ गया मार्केट के अंदर। लेकिन बात आती है दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी कौन सी है। वेल, शायद आप लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा, वेल वो फेसबुक है। फेसबुक टेक्निकली देखा जाए इंस्टाग्राम को भी ओन करती है, व्हाट्सएप को भी ओन करती है, सबसे ज्यादा लार्ज यूजर बेस है और फेसबुक इस लिस्ट में होना चाहिए। उसके बाद देखा जाए तो गूगल इसके काफी ज्यादा पीछे है। गूगल ने पिछले काफी लंबे समय से ट्राई कर रही है सोशल मीडिया में उतरने का, क्या आप लोगों को मालूम है? ऑरकुट उन्होंने बनाया था, गूगल प्लस बनाया, गूगल बस बनाया, सब फेल हो गए। सिर्फ यूट्यूब ऐसी चीज है जो कि चल रहा है और दूसरी जगह ट्विटर आपको देखने को मिलता है। और टिकटॉक की कहानी तो आप लोग को पता ही है, इंडिया से तो बैन हो ही चुका है। लेकिन बात आती है दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसको नुकसान है, क्या ये बिल्कुल सही चीज होता है, चलिए इसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा पसंद है, इंटरेस्टिंग लगे, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी कमाल की वीडियोस देखने के लिए। लेकिन सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं फेसबुक के बारे में। जी हां, अकेले से facebook.com की बात करूं, यानी कि जो ऐप है, वेबसाइट, इसके अंदर जो नंबर ऑफ यूजर्स है वो दुनिया में सबसे ज्यादा किसी भी सोशल मीडिया के कंपैरिजन में। चलिए एक स्टैट बताता हूं आप लोगों को। फेसबुक के अंदर आपको देखने को मिलते हैं 2.4 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स। जी हां, 2.4 बिलियन, जिसमें से 1.6 बिलियन ऐसे यूजर्स हैं जो कि डेली उसे यूज करते हैं और 80% जो फेसबुक यूजर्स हैं वो उसे मोबाइल से यूज करते हैं। और क्या आप लोगों को मालूम है, और ऑलमोस्ट 30% ऐसे यूजर्स हैं जो कि 25 ईयर से लेकर 34 ईयर्स के बीच आते हैं। और मेजोरिटी बात करें तो फेसबुक को जो लोग यूज करते हैं ना उनकी जो जनरल एज है ना वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है। और इसके बाद नंबर आता है यूट्यूब का। अब यूट्यूब देखा जाए तो गूगल का आशीर्वाद मिला हुआ, जीमेल से लॉग इन हो जाता है और इस चक्कर में यूट्यूब के पास 1.9 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर जो उनकी वेबसाइट को विजिट करते हैं और 149 मिलियन पीपल जो डेली लॉगिन करते हैं यूट्यूब के ऊपर। और वहीं बात करें इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम पे 1 बिलियन है। लेकिन इंस्टाग्राम की खास बात क्या पता है, इंस्टाग्राम पे यंग जनरेशन सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा जो लोग है ना वो 18 ईयर से लेकर 29 ईयर के बीच आते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉलेज फ्रेंड्स के बीच में, यानी यंगस्टर के बीच में इंस्टाग्राम पॉपुलर है। और वहीं बात करें फेसबुक और जो थोड़े से सीनियर लोग हो जाते हैं एज के अंदर, उनके बीच में फेसबुक ज्यादा पॉपुलर है। और यूट्यूब तो ऑब्वियसली मालूम है सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है तो वहां पर है। लेकिन बात आती है यहां पे फेसबुक की। अब फेसबुक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं। फेसबुक एक ऐसी कंपनी थी, जब वो सोशल मीडिया के अंदर निकल कर आई थी ना तब वो बना कुछ और रहे थे, लेकिन बन कुछ और गया। और बनते बनते फेसबुक एक टाइम पे इतनी बड़ी बन गई थी कि उसके लिए कोई टक्कर की चीज नहीं थी। लेकिन मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक को मालूम था कि जो चीज है ना हमेशा चलने वाली और बहुत ही जल्दी डाउनफॉल आएगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो कुछ साल में बदल जाती है, इसलिए वो मार्केट पे नजर रख रहे थे। ऐसे ही उन्होंने देखा कि इंस्टाग्राम धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, उसका जो फोटो शेयरिंग वाला फीचर है ग्रो हो रहा है, फटाक से जाके उसे एक्वायर कर लिया। बस ऐसे ही उन्होंने देखा व्हाट्सएप ग्रो हो रहा है, लोग मैसेंजर को छोड़ के व्हाट्सएप से मैसेज भेजना चालू कर रहे हैं, व्हाट्सएप खरीद लो और उसके अंदर बाकी सारे फीचर्स को इंप्लीमेंट करना चालू कर दो। और देखा तो सब लोग फेसबुक के ऊपर आ गए। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, ये लोग हर उस चीज पे भी नजर रखते हैं जो मार्केट में ट्रेंड पे। कुछ साल पहले तक स्नैपचैट स्टोरीज बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए पॉपुलर हो रहा था, स्नैपचैट लोग बहुत ज्यादा यूज करते थे। फेसबुक ने क्या किया, स्टोरीज वाला फीचर सब में डाल दिया। व्हाट्सएप में स्टेटस मिलता है, फेसबुक में मिलता है, मैसेंजर में मिलता है, इंस्टाग्राम में स्टोरीज आ गई यार। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, अभी टिकटॉक पॉपुलर हो रहा था तो वहां पे भी फेसबुक ने अपना दिमाग लगा के अपने प्लेटफॉर्म के अंदर रील्स वगैरह डाल दी। यानी कि दो तरीकों से काम करते हैं, यानी कि पहली चीज तो ये कि कोई अगर स्टार्टअप है, कोई चीज अगर पॉपुलर हो रही है, अगर हम उसे खरीद सकते हैं तो खरीद लो, लार्ज यूजर बेस अपने अंदर ले लो। लेकिन अगर हम उसे खरीद नहीं सकते, सेम चीज कॉपी कर लो यार, ये कहानी हो जाती है। वहीं बात करें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका जो नंबर ऑफ यूजर बेस है, जिसे डेली जो लोग यूज करते हैं वो काफी ज्यादा कम है। लेकिन अच्छी बात है कि ट्विटर का मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं आ पाया और बहुत ही छोटी सी कैटेगरी के अंदर वो अपनी जगह बना पाए। ऐसी बात करें लिंक्डइन की, तो जो प्रोफेशनल लेवल का जो सोशल मीडिया रहता है वो उसकी जगह फुलफिल करता है। और यूट्यूब की बात करें तो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म की तरीके से इमर्ज होकर आया है। और इसीलिए फेसबुक ने भी अपने अंदर फेसबुक के जो वीडियोज होते हैं उन्हें प्रमोट करना स्टार्ट किया, लोगों की फीड के अंदर ज्यादा ज्यादा वीडियोस को डालना स्टार्ट किया, यहां तक कि क्रिएटर्स के लिए मोनेटाइजेशन को भी इनेबल किया। लेकिन फेसबुक उस लेवल को अचीव नहीं कर पाए। और तो एक फन फैक्ट की बात बताऊं, क्या आप लोगों को मालूम है कि आईपीएल के जो होते हैं ना स्ट्रीमिंग राइट्स, उसके लिए हॉटस्टार के साथ साथ फेसबुक ने भी बिड किया था, लेकिन फेसबुक ये चीज हार गया था, क्योंकि फेसबुक भी चाहता था कि किसी तरीके से उसके पास जो है ना वो वीडियो स्ट्रीमिंग के राइट्स आ जाए। और जिस तरीके से यूट्यूब है या फिर जो दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना, वैसे वो भी अपनी
अपनी जगह बना सके। इस चीज में भी देखा जाए तो काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है फेसबुक। और सबसे खास बात तो ये भी है, अगर कोई भी इंटरनेट यूज करता है ना तो कोई ना कोई फेसबुक की ऐप तो यूज करता ही करता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, दुनिया की जो पॉपुलेशन है ना वो है 7.7 बिलियन, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि उनमें से 3.5 बिलियन पॉपुलेशन ऑनलाइन आ चुकी है। और उन 3.5 बिलियन में से हर आदमी कोई ना कोई फेसबुक की जो ऐप है ना वो तो यूज करता ही है। यानी कि इसका मतलब ये है कि फेसबुक के पास बहुत सारा डेटा आ रहा है, और जब इतना सारा डेटा आता है तो प्रॉब्लम्स तो वहां से शुरू हो ही जाती है। इसके काफी सारे पास में एग्जाम्पल्स हमने देखे, कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल देखा, जहां पे जो फेसबुक वो अपना डेटा दूसरे लोगों को भेज रहे जिससे इलेक्शन जैसी चीजें मैनिपुलेट वगैरह की जा सकती है, जो कि काफी ज्यादा गलत चीज भी हो जाती है। इसके साथ काफी सारी नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी देखिए प्राइवेसी को लेके, और इसके लिए दुनिया में बहुत सारे अलग अलग नियम कानून भी बने हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। यूरोप में GDPR देखने को मिला है, अमेरिका भी इस चीज पर काम कर रहा है कि किस तरीके से जो इंटरनेट कंपनीज है वो कंट्रोल करना चाहती है सारी चीजें। जी हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जब हम फेसबुक के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं ना कि फ्री में हमें सारी चीजें कैसे दे रहे हैं, जबकि इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए पैसा तो लगता ही है, और पैसा लोग बनाते हैं एड से। और एड्स आप लोगों को पता है ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपको टारगेटेड एड्स दिखाए जाते हैं। जी हाँ, और कुछ केसेस में ये सारी इंफॉर्मेशन कई बार कुछ दूसरी कंपनीज को भी बेचा जाता है जिससे सही यूजर को सही एड्स सही वक्त पे दिखाया जाए ताकि उस चीज को मैनिपुलेट किया जा सके। ये भी काफी डार्क सीक्रेट है सोशल मीडिया का, यानी कि जब भी आप सोशल मीडिया यूज करो तो 100% उस पर बिलीव मत करो। ये देखो क्या ये चीज आप देखना चाहते हो या फिर वो लोग आप लोगों को जबरदस्ती दिखा रहे, इस बात पर भी सोचना चाहिए हमें। लेकिन इसके बाद एक और बात यह कि फेसबुक का जो मार्केट है ना वो पिछले कुछ समय से डाउन हो रहा है, यानी कि जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो इतने तेजी से नहीं बढ़ रहे। जो लोग ऑलरेडी ऑनलाइन आना चाहते थे या फिर आ सकते थे या फिर थे, वो पहले ही फेसबुक पे आ चुके हैं। अब बारी आती नेक्स्ट लोगों की, यानी कि उन लोगों की जो कि इंटरनेट पे अभी तक एक्सेस नहीं कर पाए, और उन लोगों तक फेसबुक को अपनी रीच पहुंचानी है, यानी कि उसे अपना यूजर बेस बढ़ाना है। इसके लिए कुछ साल पहले इंडिया में उन्होंने अपना फ्री बेसिक स्टार्ट किया था, जो कि नेट न्यूट्रलिटी होती है ना उसके अगेंस्ट था, और इसलिए इस चीज को इंडिया में आने नहीं दिया। अब इसलिए देखा तो उन्होंने जियो के साथ भी पार्टनरशिप करी है, क्योंकि जियो का मेन एम है कि कम से कम 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ लोग इंडिया में अभी भी ऐसे हैं जिनके पास तक कहीं ना कहीं अभी तक इंटरनेट की एक्सेस नहीं हो पाई है, और उन लोगों तक उन्हें इंटरनेट पहुंचाना है। जिस तरीके से जियो अफोर्डेबल रेट के अंदर ले आता, ठीक इसी तरीके से जियो के साथ फेसबुक मिलकर उन लोगों तक फेसबुक अपनी एप्स पहुंचाना चाहती। तो देखा जाए तो जो नेक्स्ट बिग मार्केट है ना उस तक वो कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं। इंडिया उनके लिए काफी बड़ी चीज है इसलिए वो काम करना चाहते हैं। अब बात आती है जब कोई इतनी बड़ी कंपनी हो जाती है ना, तब उसको कहीं ना कहीं सस्टेन करना पड़ता है, उसके ऊपर जो ट्रस्टेबिलिटी वाला जो फैक्टर होता है ना वो अब लूज होने लगता है। देखा तो पिछले काफी लंबे समय से फेसबुक के साथ यही चीजें हुई है। और एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा यार, अगर आप लोग कोई सा भी सोशल मीडिया ऐप यूज करते हो या फिर कोई भी चीज यूज करते हो ना, उस पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जो विकिपीडिया जैसी कंपनी है ना वो फ्री में रन करती है, वो कोई एड्स वगैरह रन नहीं करती। अगर वो एड्स तरीके से अपने आप को सोशल मीडिया बना देना तो काफी बड़े हो सकते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में बिलीव करते हैं और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए, और अगली बार इंटरनेट पर अगली बार कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आए तो उसको एक बार फॉरवर्ड करने से सोचिए क्या सही चीज है कि नहीं है, या फिर इंटरनेट पर अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो या फिर कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो या फिर कोई भी चीज देख रहे हो जो कि किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पर है, तो एक बार उसे ध्यान से देखना क्या ये वही चीज है जो कि आपने चूज किया देखने के लिए, या फिर ये चीज आपको जबरदस्ती दिखाई जा रही है। जी हाँ, तो वेल आज के इस वीडियो बस इतना। अगर वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप समझ लो नेक्स्ट वन में। गुड बाय।